चलिए आज का टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम मैनेजमेंट। अच्छा, गृह व्यवस्था का अवधारणा क्या है, संप्रत्यय क्या है, तो उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। होम मैनेजमेंट एक मेंटल प्रोसेस है, जैसे कि कल बताया गया था कि होम मैनेजमेंट क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं और इवेल्यूएट करते हैं किस लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, घर गाड़ी जो भी लेना है तो उस चीज को पाने के लिए कुछ प्लान करेंगे, कुछ योजना बनाएंगे, है ना। अच्छा, और उसके साथ साथ उस पर कंट्रोल भी किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। किन चीजों पर नियंत्रण किया जाएगा? जो पारिवारिक साधन है, कौन से पारिवारिक साधन है, समय, धन, शक्ति, रुचि, ये सारी चीजें, स्किल, तो ये सब पारिवारिक साधन है, उनको कंट्रोल करके हम अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहले हो गया प्लान, और जो संगठन है उसके थ्रू हम जो है संगठन, जैसे परिवार के संगठन है और सदस्य लोग हैं, और उसमें पारिवारिक साधन, जैसे कि अभी बताया सबको अलग अलग, सबका एक अलग इंटरेस्ट होता है, अलग स्किल है, ज्ञान है, तो उन सबको ध्यान में रख करके उन चीजों पर कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण रखा जाता है। किस लिए नियंत्रण किया जाता है? कि वो अपनी सही जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसलिए इन चीजों पर नियंत्रण आवश्यक है। अच्छा, प्लान आयोजन हो गया, प्लान कंट्रोल और इवोल्यूशन, मूल्यांकन लास्ट में इसलिए करते हैं कि हाँ, जो चीज हमने डिसाइड की थी प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, तो वो क्या मुझे उस लाइन में हम जा पा रहे हैं, प्लान हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ पर कमी आई है, तो इन सब चीजों को जो है अलग अलग गोल डिसाइड करने पे प्लान कंट्रोल इवोल्यूट करते हैं। और इवोल्यूट करने से हमें ये मिलता है, मूल्यांकन करने से ये प्राप्त होता है कि हम जो हमने डिसाइड किया था वो हमें मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, जो जिस लाइन में हम जा रहे थे, जिस मार्ग पे हम चल रहे थे, वो सही दिशा है या नहीं है, वो उस लक्ष्य की, है ना, कहने का सेंस यही है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कुछ इनके कार्य की आवश्यकताएं होती हैं, परिवार की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। जैसे परिवार में सभी जो गृहिणी होती है उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे बच्चों की देखरेख, है ना, और घर का भोजन बनाना, साफ सफाई, इन सब चीजों को वो बहुत जब तक मैनेजमेंट ढंग से नहीं करेगी तब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो क्या है कि मतलब घर को भी मैनेज करना है, उसकी डेकोरेशन को भी मैनेज करना है, हर एक चीज सामान जो रखा गया है वो भी एक ठीक तरीके से रखा गया है कि हाँ प्रेस किया है तो उसको उसी स्थान पे ही रखा गया है, जिसे बाद में ढूंढने की आवश्यकता ना हो, समय की बचत हो। और एक साथ कई सारे काम करना, कई सारे काम करने का मतलब ये नहीं कि खुद ही सब अपने आप को ही बांट लेना कि ये भी करना वो भी करना, एक योजनाबद्ध तरीके से कि परिवार के सदस्यों में काम बांट देना और खुद करना, इस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें कुछ चीजें ये भी हैं कि हाँ, गृह व्यवस्था के सिद्धांतों को इसमें बताया गया है, जिसमें पहला है परिवार की सुख समृद्धि के लिए आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अच्छा, इसमें कुछ परिवार की सुख सुविधा के लिए आवश्यक आवश्यकताएं हैं जिनमें हमारा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता आ जाएगी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। दूसरा है आय व्यय में संतुलन रखना, और तीसरा है गृह कार्यों में कुशलता। यानी तीन इनकी सुख समृद्धि के लिए आवश्यक आवश्यकताएं हैं जो परिवार में सुख शांति बनाए रखे, और उसके लिए पहला है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, इसे नोट कर लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पहला है, दूसरा है आय व्यय में संतुलन रखना, और तीसरा है गृह कार्यों में कुशलता। अब कैसे मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में क्या आ जाएगा कि इसमें भोजन, वस्त्र और मकान, रोटी कपड़ा, जैसे मूलभूत आवश्यकता क्या है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में, ये वे आवश्यकता है जो कि शारीरिक तथा मानसिक दोनों के लिए आवश्यक है, मतलब एक मेंटल भी और फिजिकल भी दोनों के लिए आवश्यक है। कौन कौन से? जैसे रोटी भी, रोटी, कपड़ा और मकान। जब हम खाना खाएंगे तभी चल पाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, काम कर पाएंगे, तो ये चीजें फिजिकल में आ जाएगी। मेंटल में भी अलग, जैसे घर के अंदर ही घुसते ही हर चीज मैनेजमेंट ढंग से, एक मैनेजमेंट तरीके से, एक व्यवस्था के तरीके तरह से सब चीजें रखी हैं, घर में सुख शांति का माहौल है, देखते ही सब खुश हो जाते कि हाँ ठीक है कोई भी आया है, तो उसका भी एक तरह से स्ट्रेस दूर हो जाता है और किसी तरह का लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो। तो ये सब तरीके, ये सब जो चीजें हैं, ये गृहिणी को जो है एक मैनेजमेंट ढंग से उसे अप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें जो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में आ जाता है रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी क्या हो गया? भोजन, भोजन
क्या है कि पहला हो जाएगा भोजन, यानी मनोवैज्ञानिक में भी तीन आते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक में तीन आते हैं, यानी परिवार की सुख सुविधा के लिए आवश्यक आवश्यकताओं में तीन आते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, दूसरा है आय व्यय में संतुलन बनाए रखना, तीसरा है गृह कार्यों में कुशलता। तो पहले की बात करें मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, जिसमें शारीरिक मानसिक दोनों आवश्यकताएं रहेंगी मनोवैज्ञानिक में, और उसमें हम बात करेंगे भोजन, वस्त्र और मकान। भोजन में क्या है कि जब हम उसे उचित, घर के सदस्य हैं उन्हें उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी आयु, लिंग और उनकी कार्य क्षमता के आधार पर हम भोजन उनका डिसाइड करते हैं कि मेल है तो उनके अलग कैलोरी प्रोटीन होगी, फीमेल है तो उनकी अलग कैलोरी प्रोटीन है, कुछ ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो उनको किस तरह का क्या है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भोजन देना। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर के कार्य कर सकते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता, जो कार्य दिया गया है, सौंपा गया है, उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना उत्पन्न हो, ठीक है। इससे जो क्या होता है कि अगर उन्हें इन सब चीजों में कहीं कमी हो जाती है तो क्या है कि उनका मन अशांत और चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि घर में खाना जो ठीक तरीके से उन्हें दिया ना जाए। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि घर पे जो है काम सबको अलग अलग तरीके से तो बांटा गया है, सबका अपना अपना काम है, लेकिन उनको जो है उनके रुचि के अनुसार भोजन ना मिले तो क्या है कि एक टाइम तो वो काम करेंगे लेकिन उसके बाद फिर वो जो है वैसे ही छोड़ देंगे कि ठीक है, थोड़ा सा गुस्से, मतलब चिड़चिड़े टाइप से हो जाएंगे। तो यह उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा है वस्त्र, ये भी एक आवश्यकता है मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आएगा। तो भोजन तो हो गया, वस्त्र, वस्त्र में भी उनका ये ध्यान रखना होगा कि मौसम के अकॉर्डिंग किस तरह से उनके कपड़े होंगे, और कपड़े फटे हैं तो उनको किस तरह से मरम्मत करना है, क्या है, सब चीजों को मैनेजमेंट ढंग से उसे तैयार करना होगा। और तीसरा आता है मकान। मकान में क्या रहेगा कि उनकी सुरक्षा, प्रॉपर रोशनी आ रही है नहीं आ रही है, हवा आ रही है नहीं आ रही है, जो उनके डेकोरेशन है, उनके साफ स्वच्छता, इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये होगी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, पहली होगी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता जिसमें भोजन, वस्त्र और मकान। दूसरा है आय व्यय में संतुलन बनाए रखना। आय व्यय में संतुलन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है पारिवारिक बजट तैयार करना। पारिवारिक बजट तैयार करने पे क्या होता है कि जितनी सैलरी है ना, जितनी सैलरी है उसमें कितना किस चीज में खर्च करना है एक नोट डाउन करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, तो उसके लिए पारिवारिक बजट इसका अच्छा उदाहरण है। दूसरा ये भी तरीका है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार व्यय अधिक हो जाते हैं, आय जितनी आय है उससे ज्यादा व्यय हमारे अधिक हो जाते हैं, शॉपिंग में ज्यादा कपड़े वगैरह लेना, तो ये तो कॉमन सबके यहाँ रहता है कि हाँ ठीक है, ऑनलाइन देखा है ये चीज अच्छी लगी तो ले लिया। तो इन सब चीजों पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कंजूस हो जाना, मितव्ययी का अर्थ होता है कि मतलब कंजूस में अपनी आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करते हुए उसके बाद जो एक्स्ट्रा व्यय हो रहा है उन पर कंट्रोल करना, ये मितव्ययी है। तो यहां पर क्या है, आय व्यय के संतुलन बनाने के लिए एक तो पारिवारिक बजट तैयार कर सकते हैं, दूसरा है कि उसको जो है व्यय पर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ जो आवश्यकताएं हैं एक्स्ट्रा तो उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे अभी बताया कि ये एक पारिवारिक साधन हो गया, ये एक पारिवारिक साधन है धन पर कंट्रोल करना, ठीक है, व्यय पर कंट्रोल करना। अच्छा, फिर है गृह कार्य में कुशलता। अब गृहिणी है तो उसकी किसने अच्छे तरीके से काम कर सकती है, योजना बनाती है, तो क्या है आते आते जैसे गृहिणी क्या है तो वो सब कुछ अपने में ही समेटना वो ठीक नहीं है, तो वो जो एक अच्छे ढंग से कार्य नहीं हो पाता है। अगर वो गृहिणी जॉब पे भी जाती है, खुद घर का भी काम करती है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसे जो है अपने जीवन साथी या फिर परिवार के अन्य सदस्य या काम करने वाले और जैसे घर में नौकर चाकर हैं तो उन सबका सहयोग ले सकती है। अच्छा, तो ये हो गया, योजना बनाएगा जो लड़की गृहिणी है, वो योजना बनाएगी और फिर नोट डाउन करेगी कि इसका क्या क्या कौन सा काम है, कौन कौन सामान आना है, कौन सी चीजें किसमें खर्च होनी है, तो ये सब चीजें, इसके अंतर्गत ज्ञान भी आवश्यक है इन सब चीजों का, परिवार का सहयोग भी आवश्यक है इसमें, बिना परिवार के सहयोग से कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। कार्यों को करने के लिए उपयुक्त साधन भी होना आवश्यक है, ठीक है, जैसे अभी बताया गया कि
प्रेस है, तो जहां पर किया गया और वहीं पे ही छोड़ दिया गया, तो कहीं तार टूटा है, कहीं कुछ टूटा है, प्लग निकल गया है, तो ये सब चीजें रख रखाव का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो चीजें आवश्यक है तो उन सबको भी ध्यान, बजट को ध्यान में रखते हुए सामान को खरीदना ही और उन सब चीजों को मैनेजमेंट ढंग से करना ही होम मैनेजमेंट कहलाता है। चलिए, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट, और आगे फिर दूसरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए।